हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी के पेपर इंटीग्रल कैलकुलस से हमारे पास ये प्रॉब्लम है समेशन ऑफ सीरीज की, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आप सीरीज कैसे बढ़ रही है आपको दिख रही होगी। पहली टर्म 1/(n+m) है, दूसरी 1/(n+2m), तीसरी 1/(n+3m). इस तरीके से सीरीज 1/(n+nm) तक बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज की हम आरएथ टर्म फाइंड करेंगे। आरएथ टर्म फाइंड करना हमारे लिए जरूरी है। तो आरएथ टर्म फाइंड करने के लिए आप देखें, इस सीरीज में जो नंबर बढ़ रहा है ना कंटिन्यूसली, उसी की जगह आप आर लिख दो, और जो चीज इंक्रीज नहीं हो रही है और जो चीज कॉन्स्टेंट है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। तो इस पूरे सीरीज की जो आरएथ टर्म है वो हमने यहां पर लिख दी, ये आपके सामने। इसके बाद क्या करना होता है, आपको ऑलवेज 1/(n) अलग करना होता है और बाकी जो टर्म्स हैं उनको अलग रखें। तो इस टाइप से मैंने यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आरएथ टर्म निकल गए हमारे पास। पर क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो पूरे टर्म्स दे रखे हैं ना, इनका सम फाइंड करना है, क्योंकि प्लस दिख रहा होगा आप साइन। तो हमारे पास ये जो टर्म आ गई ना आरएथ टर्म, इसके साथ हम लगा देते हैं समेशन, और 1/(n) मल्टीप्लाई 1/(1+r/n) ब्रैकेट नहीं होगा ये, हाँ यहाँ पर m होगा, तो यहाँ पर आपका m है। समीशन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर r की वैल्यू डालनी है, मिनिमम वैल्यू। r की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, r की वैल्यू ये है, r की वैल्यू n तक। पर साथ ही साथ क्वेश्चन में ये कहा है, फाइंड द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई क्वेश्चन में ये भी चीज कही है ना। तो हमें यहां पर इसके साथ लिमिट भी लगाना पड़ेगा, और लिमिट हम लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फाइनली ये चीज हमें यहां पर सॉल्व करनी है। अब यहां इस पूरे का लिमिट तो हम फाइंड नहीं कर सकते थे ना, तो हमने इसका पहले एन टर्म फाइंड किया, उसके साथ समेशन जैसे ही हम लगा देते हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि हम इस पूरे का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट डालने के लिए भी कहा था, तो हमने लिमिट भी डाल दी यहां पर। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, कि ये चीज ध्यान में रखें, 1/(n) की जगह आप रखेंगे इसमें dx, ठीक। r/(n) की जगह आप रखेंगे यहां पर x, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन की जगह आप डालेंगे इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको इसमें क्या करनी है, बदलनी है। इसके साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो ये इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इसमें लोअर लिमिट भी चाहिए आपको, अपर लिमिट भी चाहिए। अब लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो r/(n) का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे r की मिनिमम वैल्यू क्या है और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और r/(n) में आप लिमिट डालेंगे पहले n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसके थ्रू ये जितनी चीज मैं लिखी है, इसके थ्रू आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। तो ये r की वैल्यू इसमें पुट करें, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 1/(n), और n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गई। ध्यान रखना लोअर लिमिट इस तरीके से फाइंड करनी। अब हम आएंगे अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट होती है, तो पहले तो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, साथ में क्या है ये r/(n). अब अपर लिमिट फाइंड करनी है, तो r की अपर वैल्यू क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है n। तो आप क्या करेंगे, यहां पर r की जगह n पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा n/(n), ये कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया, 1। तो आपको इंटीग्रेशन के लिए लोअर लिमिट मिल गई 0 और अपर लिमिट मिल गई 1। तो जितनी भी चीजें आपको रिप्लेस करने के लिए कहा है, वो सारी के सारी चीजें हम रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं वापस इसको वापस कॉपी करूंगा इस पूरे को, और जो जो चीज में से हटा देनी है वो चीज मैं हटा देता हूं।
ये इतनी चीजों के बदले मुझे इंटीग्रेशन लगाना है पहले तो स्टार्ट करते हैं। लगा दिया इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन के लिए लोअर और अपर लिमिट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लोअर लिमिट आई है 0, अपर लिमिट आई है 1, तो ये तो हो गया 0 to 1। इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि 1/n की जगह आपको रखना है dx, और ये जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको r/n जो दिख रहा है इसकी जगह आपको x रखना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1/1 + xm, और dx तो साथ में हो गई। तो ये कैसे लिखेंगे आप, 1/1 + mx dx। तो अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होता है log x + 1। इसी तरीके से 1/mx + 1 का इंटीग्रेशन होगा 1/m log x, log mx + 1। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको, आप खुद भी अपने हिसाब से ट्राई कर लें। 1/m log mx + 1। तो इस तरीके से साथ में आपके पास c भी होता है, पर क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो c लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 0 से 1 है तो 0 से 1 लगा देते हैं इसमें। ये हो जाएगा 1/m, पहले 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log m + 1, फिर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log 1। और आपको पता है कि log 1 0 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया log m + 1/m। तो इस तरीके से बच्चों हमने समेशन ऑफ सीरीज प्रॉब्लम से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।